नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्टिनेंटल हेल्दी फूड में। मैं हूं गौरव मेहरा। मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत ही प्यारी रेसिपी, सोयाबीन की करी बनाना। तो आज मेरे साथ सीखते हैं। हमने लिया हुआ है सोयाबीन, हमने इसको रात को पानी में भिगो दिया था। इसमें हमने थोड़े से काले चने भी मिक्स किए हैं। अब हम इसको डाल देंगे कुकर में और पानी डालेंगे। एक चम्मच नमक डालकर हम अच्छी तरह से उबालेंगे। सोयाबीन हमारे उबल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया मैश हो रहे हैं। अब हम इसको रख देंगे साइड में और तैयारी करेंगे हम मसालों की। सबसे पहले हमने लिया हुआ है भाई उबलता हुआ पानी में हम डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर को हम बॉईल करेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। हमने इसको डालना है मिक्सी में और बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे टमाटर का। देख सकते दोस्त, पेस्ट ऐसा बनना चाहिए। अब हमने लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। अब हम इसका भी बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट तैयार है। अब हम बनाएंगे पेस्ट सोयाबीन का, बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन चुका है। अब हम चलेंगे ग्रेवी बनाने की तरफ। तेल में डाल दिया है सरसों का तेल, करीब 3 बड़े चम्मच। इसमें डाल रहे हैं कटे हुए प्याज, प्याज को हम लाल करेंगे। प्याज लाल हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसी के साथ हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था। अब हम डालना शुरू करेंगे मसाले, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब हम मसाले को थोड़ा सा भूजेंगे। अब हम इसी में डालेंगे जो हमने दाल का पेस्ट बनाया था सोयाबीन का, ये जो मिक्सी में, इसको हम डाल देंगे। इससे ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी और तो बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा इससे। मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए सोयाबीन। पकाएंगे हम और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, डालकर 5 मिनट तक हम पकाएंगे। सोयाबीन करी तैयार हो चुकी है।
बहुत ही बढ़िया रेसिपी है मेरे दोस्तों। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया चावल के साथ, रोटी के साथ खाने के लिए तैयार है सोयाबीन करी। तो घर में बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए लाइक। इसी तरह की कुकिंग की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल हेल्दी फूड को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।